नमस्कार। आज अपन शुरू कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में आज ये अपना लास्ट लेक्चर है, इसके बाद में अपना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट है। तो आज का अपना टॉपिक जो बचा हुआ है वो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। टॉपिक है अपना प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बाह्य या वातावरणीय कारक और दूसरे होते हैं आंतरिक कारक। एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। जो बाह्य या वातावरणीय कारक होते इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं? लाइट, टेम्परेचर, CO2, H2O और ऑक्सीजन। आंतरिक कारक में कौन से आते हैं? पर्णहरित की मात्रा, पर्ण की संरचना, पर्ण विन्यास, और संचित भोजन की मात्रा। पर्ण की संरचना, विन्यास और पर्ण की जो रंध्र है, उनके जो संख्या है, उनकी मात्रा है, खुलने का समय है, ये सभी आते हैं अपने पर्ण की जो आंतरिक संरचना है उसी में आ जाते हैं ये सब। तो ये है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि दो भागों में बांटे गए हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। इनका अध्ययन करने से पहले अपने को दो मुख्य चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो कौन सी है? एक तो है सेक्स की संतुलन बिंदु परिकल्पना। एक तो क्या अपने सेक्स की संतुलन, या इसी को अपन बोल सकते प्रदान, क्लियर है? प्रदान बिंदु परिकल्पना, कार्डिनल पॉइंट, हाइपोथेसिस। एक तो इसके बारे में जानकारी आवश्यक है, और एक दूसरा पॉइंट कौन सा ध्यान में रखना अपने को? सीमा कारी कारक सिद्धांत, लिमिटिंग फैक्टर।
सबसे पहले अपन देखते हैं इन दोनों में से प्रधान बिंदु परिकल्पना क्या है। कोई भी जो पादप कार्यरेखी है उसको प्रभावित करने वाले जो कोई भी कारक होते हैं, उन कारकों के लिए 1860 में सेक्स नामक वैज्ञानिक ने एक परिकल्पना दी थी, एक हाइपोथेसिस दी थी, जिसी को क्या कहते हैं अपन, प्रधान बिंदु परिकल्पना। इस परिकल्पना के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो कोई भी ऐसा कारक होता है जो कि पादप कार्यकी की मीन्स जो प्रकाश संश्लेषण की कार्यकी है उस कार्यकी को प्रभावित करता है, उसमें मुख्य रूप से तीन बिंदु होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? न्यूनतम। जो सेक्स की जो प्रधान बिंदु परिकल्पना है जो कि 1860 में दी गई थी, इस परिकल्पना के अनुसार क्या होता है, जो ऐसा कोई भी कारक जो कि प्रकाश संश्लेषण की कार्यकी को प्रभावित करता है उनका तीन मान होता है, जो कौन कौन से होते हैं, न्यूनतम मान या बिंदु, सेकेंड श्रेष्ठतम या अनुकूलतम मान या बिंदु, और थर्ड अधिकतम मान या बिंदु। कोई भी जो कारक है जो कि पादप कारकी को प्रभावित कर रहा है तो उनके तीन मान होंगे। पहला है अपने न्यूनतम मान। न्यूनतम मान क्या होता है, यानी कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ होता है। कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रारंभ होती है, तो कारक की उस मात्रा को क्या कहा जाएगा, उस मान को क्या कहा जाएगा, न्यूनतम न्यूनतम मान या बिंदु कहा जाता है उसी को। श्रेष्ठतम या अनुकूलतम मान बिंदु किसको कहा जाता है, कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिकतम अधिकतम स्तर पर होती है। कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने अधिकतम स्तर पर हायर लेवल पर होती है, उस मान या बिंदु को क्या कहा जाता है, श्रेष्ठतम या अनुकूलतम मान या बिंदु कहा जाता है। थर्ड अधिकतम मान या बिंदु क्या होता है, कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद हो जाती है, उस मान या बिंदु को क्या कहा जाता है, अधिकतम मान या बिंदु। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं अपन, प्रधान बिंदु कार्डिनल पॉइंट। मीन्स ऐसा कोई भी कारक जो कि प्रकाश संश्लेषण की कार्यकी को प्रभावित करता है उस कारक में तीन मान होते हैं। तीन मान यानी कि कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है तो उसको कहा जाता है न्यूनतम मान, जब अधिकतम स्तर पे होती है तब उस मान को कहा जाता है श्रेष्ठतम मान, और जब बंद हो जाती है क्रिया तब उस मान को कहा जाता है अधिकतम मान। इन तीनों को मिला के और कहा जाता है प्रधान बिंदु। इसी परिकल्पना को कहा जाता है प्रधान बिंदु परिकल्पना।
इसके बाद में अपने दूसरा जो मुख्य चीज है वो है सीमाकारी कारक सिद्धांत, जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है उसके बारे में अपने को बात करनी है। इसके बाद में फिर अपन शुरू करेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। सीमाकारी कारक सिद्धांत या नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने प्रस्तुत किया था? ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने 1905 में 1905 में ये नियम दिया था। ब्लैकमैन ने ही जो प्रकाश संश्लेषण है उसको दो भागों में डिवाइड किया था, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के रूप में। ब्लैकमैन ने इस सिद्धांत में या इस नियम में क्या बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें कई प्रकार के घटक या अवयव क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और सभी क्या करते हैं, अपना अपना प्रभाव प्रकाश उस क्रिया पर डालते हैं। तो इस नियम के अनुसार जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्रिया सीमित किसके द्वारा होती है? कारक, उस कारक के द्वारा होती है जो कि सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, उसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, सीमाकारी कारक का सिद्धांत कहा जाता है या नियम कहा जाता है। इसको मैं लिख देता हूं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, या अपन इसको सीधा लिख सकते हैं किसी भी जैविक अभिक्रिया, ये भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, एक बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण या जैविक अभिक्रिया में कई प्रकार के कारक या अवयव सम्मिलित होते हैं जो अपना प्रभाव डालते हैं तो क्रिया की दर उस कारक द्वारा सीमित हो जाती है जो कारक सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, सीमाकारी कारक का नियम कहा जाता है, जो कि ब्लैकमैन ने दिया था। मीन्स इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस क्रिया को कई प्रकार के कारक क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं या उस क्रिया को नियमित करते हैं। तो उस कारक के द्वारा वो क्रिया सीमित हो जाती है जो क्या होता है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। जब सभी सामान्य परिस्थितियाँ होती है, अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, तब क्या होता है, जो स्वच्छ वातावरण होता है उस वातावरण में जो CO2 होता है ये क्या होता है, सीमाकारी कारक कहलाता है, लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है।
मिंच प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यकता, एक तो क्या आवश्यकता, CO2 आवश्यकती, प्रकाश आवश्यकता, परणहरित आवश्यकता, अपने जल आवश्यक होता है। इनमें सबसे कम मात्रा में जो उपलब्ध होने वाला कारक होता है वो कौन सा होता है, CO2। तो इस नियम में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो क्रिया होती है, कोई भी जो जैविक अभिक्रिया होती है, उसकी जो दर होती है वो कौन से कारक के द्वारा सीमित हो जाती है, वो होती है जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है, CO2। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने बनता है कि प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी कारक का कार्य कौन करता है, तो कौन होगा, CO2 होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है, जब बादल या घने जंगल होते हैं वहाँ पे सीमाकारी कारक का कार्य कौन सा कारक करता है, वो करता अपने प्रकाश। प्रकाश क्या होगा यहाँ पे, लिमिटिंग फैक्टर। इसका कारण क्या है कि लाइट यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि बादल होने पे क्या होता है, जो अपने पौधे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिल पाता है, जबकि उनको क्या होती है, CO2 पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। तो यहाँ क्या होती है, लाइट की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, इस कारण क्या होगा यहाँ पे प्रकाश क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा, न कि CO2 यहाँ लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। इसके अलावा जो C4 पादप होते हैं, C4 पादप व जलमग्न पादपों में CO2 सीमाकारी कारक नहीं होता है। मैंने क्या लिखा है, नहीं होता है, मीन्स यहाँ पे CO2 सीमाकारी कारक क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो जलमग्न पादप होते हैं अपने, जलमग्न पादप में क्या होती है, मीन्स यानी वहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उस पानी के अंदर ही CO2 किस रूप में उपस्थित रहती है, बाइकार्बोनेट के रूप में उपस्थित रहती है, इस कारण यहाँ पे कभी भी CO2 सीमाकारी कारक नहीं होगा। अपने को कॉमन रूप से बात क्या ध्यान में रखनी, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है सीमाकारी कारक कौन सा होता है। तो अपने को क्या ध्यान में रखना, CO2 सीमाकारी कारक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, जिनको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। तो पहले बात करते हैं अपन बाह्य या वातावरणीय कारक। इनमें सबसे पहला कौन सा, अपने लाइट प्रकाश। लाइट या प्रकाश जो अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या आवश्यक हो रहा है अपने को, लाइट। लाइट को ही जो अपने क्लोरोफिल है या जो अपने फोटो सिस्टम होते हैं, वर्णक तंत्र होते हैं, वो प्रकाश लाइट को ग्रहण करते हैं और उसको किस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि पादपों को प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होगी, नहीं हो पाएगी। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिस प्रकाश में होती है उस प्रकाश को क्या कहा जाता है, पार के नाम से जानते हैं। पार क्या होता है, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय
विकिरण, जिसकी रेंज क्या होती है, 400 टू 700 नैनोमीटर, मींस 400 से 700 नैनोमीटर की जो वे लेंथ होती है उसी में अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्व होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, पार के नाम से। जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है अपने, दृश्य स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक तो होता है लाल प्रकाश, इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा क्रिया होती है वो कौन से में होती है, नीले प्रकाश में, रेड एंड ब्लू। तो सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कौन से प्रकाश में होती है, लाल कलर के प्रकाश में होती है। उसके बाद में इस लाल प्रकाश से थोड़ी सी कम किस में होती है, नीले प्रकाश में होती है। जबकि हरा प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, नहीं होती है या बिल्कुल शून्य होती है, क्योंकि इस रंग के प्रकाश को जो अपने पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, वो इसका अवशोषण नहीं कर पाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका अवशोषण नहीं होता है। और सबसे कम जो क्रिया होती है वो कौन से रंग के प्रकाश में होती है, हरे रंग के प्रकाश में। सबसे ज़्यादा किस में होती है, लाल रंग के प्रकाश में। यहाँ पे एक मुख्य चीज़ अपने को क्या ध्यान में रखनी है, जब प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर किसके बराबर हो जाती है, शोषण दर, जब प्रकाश संश्लेषण की दर और शोषण की दर, रेस्पायरेशन रेट इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो उस प्रकाश की मात्रा को क्या कहा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रकाश संतुलनकारी बिंदु, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। यानी प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश तीव्रता की वह मात्रा जिस पर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर और शोषण की दर क्या होती है, इक्वल हो जाती है, तो उस प्रकाश की तीव्रता को क्या कहा जाता है, या उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रकाश संतुलनकारी बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अपने पहला कारक था बाह्य कारक, जो था अपने लाइट या प्रकाश। इसमें अपने को मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी है, जो अपना पार होता है, पार क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, इसी में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है। इसकी रेंज क्या होती है, 400 से 700 नैनोमीटर वे लेंथ की होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, लाल प्रकाश में। उससे कम किस में होती है, नीले प्रकाश में। सबसे कम किस में होती है, हरे रंग के प्रकाश में। हरे रंग के प्रकाश में ही क्यों होती है, क्योंकि इसका अवशोषण नहीं हो पाता है पर्णहरित अणुओं के द्वारा। प्रकाश संतुलनकारी बिंदु क्या होता है, प्रकाश तीव्रता की वह मात्रा जिस पर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर और शोषण की दर दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो उसको कहा जाता है प्रकाश संतुलनकारी बिंदु। इसके बाद में सेकेंड कारक आता है अपने, तापमान टेम्परेचर।
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसके लिए अनुकूलतम तापमान क्या है? अनुकूलतम तापमान जो C3 पादप होते हैं, C3 पादप इनमें तो कितना होता है, 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। C4 पादप होते हैं इनमें अनुकूलतम तापमान क्या होता है, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। ये अनुकूलतम तापमान होता अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होती है, फोटो सिंथेसिस जो रेट होती है उस प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ पाती है। उसके बाद में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, वापस घटने लग जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण ने की क्रिया होती है उसमें दो प्रकार की रिएक्शन चलती है, एक तो लाइट रिएक्शन चलती है और एक डार्क रिएक्शन चलती है। जो डार्क रिएक्शन होती है वो टोटली किससे प्रभावित रहती है, टेम्परेचर से प्रभावित रहती है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, प्रकाशीय अपघटन हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, क्रिया कम हो जाती है। ये तो अपने को कॉमन चीज ध्यान में रखनी है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इस प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज होगी लेकिन एक लिमिट तक। जब मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो रेट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है, घटने लग जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, इससे टेम्परेचर अधिक होने पे क्या होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषी एंजाइम होते हैं उनका प्रकाशिक अपघटन हो जाता है, जिसको कहा जाता है सोलराइजेशन। प्रकाशिक जो अपघटन होता है वो किनका होता है, जो एंजाइम होते हैं उनका होता है, और ये एंजाइम कौन से भी क्रिया में काम में आते हैं, जो अपने डार्क रिएक्शन होती है, अपन ने C3 साइकिल पढ़ा है, C4 साइकिल पढ़ा है, केम साइकिल पढ़ा है, इनमें कई प्रकार के एंजाइम थे। अपने मुख्य एंजाइम कौन से थे, रूबिस्को एंजाइम था, पेपकेज एंजाइम थे। तो इन एंजाइमों का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन हो जाता है, सोलराइजेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, घटने लग जाती है। ये है अपने दूसरा कारक जो है तापमान। इसके बाद में तीसरा कारक आता है अपने CO2। थर्ड कारक कौन सा है अपने, CO2। CO2 सांद्रता, CO2 कंसंट्रेशन जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, वायुमंडल CO2 की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.03% या 300 ppm। जो फोटोसिंथेसिस रेट है,
फोटोसिंथेसिस रेट वो क्या होती है, 0.03% से लेके और 0.05% तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन 0.05% तक तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद में यदि CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो फिर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, घटने लग जाती है। जब CO2 की मात्रा 1% से अधिक होने लग जाती है तब ये क्या होती है, पादपों के लिए क्या होती है, विषालु प्रवृत्ति की हो जाती है, टॉक्सिक इफेक्ट की हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, घटने लग जाती है। जब 1% से अधिक होती है तब क्या होती है, रेट क्या होती है, घटने लग जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी कहाँ से कहाँ तक, तो 0.03 से लेके 0.05% तक, और जब अधिक हो जाती है रेट, जब CO2 की सांद्रता 1% से भी अधिक हो जाती है तो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, घटने लग जाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, टॉक्सिक टू प्लांट, पादपों के लिए क्या हो जाती है, विषालु प्रवृत्ति की हो जाती है, इस कारण क्या होती है, इसकी दर घटने लगती है। यहाँ पे अपने को एक मुख्य चीज़ ध्यान में रखनी है, CO2 संतुलनकारी बिंदु, CO2 कंपेंजेशन पॉइंट, जब प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी CO2 की मात्रा किसके बराबर हो जाती है, श्वसन में उत्पादित CO2 की मात्रा, मीन्स जब प्रकाश संश्लेषण में जितनी CO2 उपयोग में आ रही है उतनी ही CO2 किसके द्वारा वापस निकल रही है, रिलीज हो रही है, श्वसन क्रिया के द्वारा। जब ये दोनों की मात्राएं बराबर हो जाती है तो इस क्रिया को या इस बिंदु को क्या कहा जाता है, CO2 संतुलनकारी बिंदु, CO2 कंपेंसेशन पॉइंट कहा जाता है। ऐसी टर्मिनोलॉजी अपने पहले क्या आई थी, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। लाइट कंपेंसेशन पॉइंट में क्या था कि प्रकाश तीव्रता की वह मात्रा जिस पे क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर किससे इक्वल हो जाती है, श्वसन की दर के इक्वल हो जाती है, तो उसको कह रहे थे अपन लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। यहाँ पे है अपने CO2 कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण में जितनी CO2 उपयोग में आ रही है उसी के बराबर कितनी हो जाती है, श्वसन में जितनी रिलीज हो रही है CO2 की मात्रा, जब दोनों की मात्राएं बराबर होती है तो उस सांद्रता को या उस मात्रा को क्या कहा जाता है, CO2 संतुलनकारी बिंदु कहा जाता है। CO2 ही क्या है अपने लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर सीमा कारक, कारक कौन सा है प्रकाश संश्लेषण में, तो वो है CO2। इसके बाद में नेक्स्ट कारक आता है अपने वाटर जल, फोर्थ कारक क्या है अपने H2O वाटर जल। जो वाटर होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। यदि आपने देखा हो जो H2O इसका ऑक्सीकरण होकर क्या निकल रहा था, क्या रिलीज हो रहा था, अपने ऑक्सीजन क्या हो रहा था, विमुक्त हो रहा था। इसी क्रिया के द्वारा तो क्या हो रहा था, अपने ये प्रक्रिया क्या है, फोटोलाइसिस कहाँ पे हो रहा था, अपने जेड स्कीम में। आप पिछली बार में क्या पढ़ा था अपने, लाइट रिएक्शन को कितने भागों में बांटा था, दो भागों में, एक तो था चक्रीय और एक था अचक्रीय। अचक्रीय को ही क्या कहा जाता है, जेड स्कीम। इसमें कौन सी क्रिया होती है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मीन्स क्या होता है, जो H2O होता है उसका विघटन होता है और उससे अपने को क्या रिलीज होती है, जो ऑक्सीजन विमुक्त होती है, किससे होती है, H2O के द्वारा। इसी के द्वारा अपने को क्या मिल रहे थे, नवजात हाइड्रोजन किससे जुड़ रहे थे, NADP से, और NADPH2 का निर्माण कर रहे थे। इसी के द्वारा अपने को क्या मिल रहे थे, इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे थे, फोटोसिस्टम पास्ट में, जो क्या था, P700। इसमें जा रहे थे और इस अभिक्रिया को क्या कर रहे थे, इस साइकिल को कंटिन्यूस कर रहे थे, क्योंकि जो फोटोसिस्टम वन है इसको क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त हो रहे थे, तो इसी जल के अणु के विघटन के कारण क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे थे। यदि मान लो अपने पास पानी की कमी है तो इतनी सारी क्रियाएं नहीं होगी, और ये क्रियाएं नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये सभी चीज़ें किसके लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो जो पानी होता है, जो जल होता है, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, बंद करता है। यदि मर्दा जल में कमी होती है तो जल का अवशोषण क्या होगा, कम मात्रा में होगा। कम होगा तो क्या होगा, रंध्र क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। यदि रंध्र बंद हो गए तो CO2 ग्रहण कहाँ से करेगी लीप, इस कारण क्या होती है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट कारक, कौन सा है, ऑक्सीजन। बाह्य कारक में पांचवा कारक कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या करती है, इनडायरेक्ट रूप में क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। अपन ने पढ़ा था रूबिस्को एंजाइम। यहाँ पे इन दो वर्डों पे ध्यान में देना है अपने। सी मीन्स तो क्या है, कार्बोक्सीजिनेज। ओ मीन्स क्या है, ऑक्सीजिनेज। मीन्स रूबिस्को एंजाइम क्या है, ड्यूल प्रॉपर्टी एंजाइम है, यानी दो क्रियाएं करने की इसमें कैपेसिटी पाई जाती है। एक तो कार्बोक्सीजिनेज की क्रिया भी कर सकता है ये, और एक ऑक्सीजिनेज की क्रिया भी कर सकता है। अपन ने कहाँ पढ़ा था रूबिस्को एंजाइम, याद करो, अपन ने एक प्रोसेस पढ़ी है, फोटोरेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण। इस प्रकाश शोषण के कारण ही क्या हुआ था, C4 जो चक्कर है और जो केम चक्कर है उनका विकास हुआ था। क्यों, क्योंकि ये क्या थी, जो प्रकाश शोषण फोटोरेस्पिरेशन क्रिया क्या थी, एक हानिकारक क्रिया थी।
इस कारण क्या हुआ था, C4 और केम चक्कर का विकास हुआ था। यहाँ बात करते हैं अपने कार्बोक्सीजिनेज और ऑक्सीजिनेज क्या होते हैं। कार्बोक्सीजिनेज मीन्स तो क्या होता है, CO2 को RUBP के साथ जोड़ता है। ऑक्सीजिनेज ऑक्सीजन को RUBP के साथ में क्या करता है, जोड़ता है। जब अपने यहाँ कारक कौन सा चल रहा, अपने ऑक्सीजन मींस जब पर्ण में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होगी तो CO2 की मात्रा क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होने पे ये रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, ऑक्सीजन को किससे जोड़ देता है, RUBP से जोड़ देता है, और किसका निर्माण करता है, फॉस्फोग्लाइक एसिड का निर्माण करता है। और जिसके कारण क्या होती है, न तो अपने को ग्लूकोज का निर्माण हो पाता है, और अपनी जो रिड्यूसिंग पावर थी या जो स्वांगीकरण शक्ति थी, एसिमिलेटरी पावर थी, कौन सी, ATP और NADPH2, उसका भी उपयोग हो जाता है। और अपने को जो अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जो एनर्जी प्राप्त होनी चाहिए और जो ग्लूकोज बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता है। इस कारण क्या होती है, उस प्रकाश शोषण की क्रिया को क्या कहा जाता है, हानिकारक या विनाशकारी क्रिया माना जाता है। तो यहाँ अपने को ध्यान में क्या रखना है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पे क्या होती है, रूबिस्को एंजाइम RUBP के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ता है, जिससे कौन सी क्रिया चलती है, प्रकाश शोषण की क्रिया होती है, जो क्या होती है, एक हानिकारक क्रिया है। तो ये थे अपने बाह्य कारक। इसके बाद में आते हैं अपने आंतरिक कारकों में। सेकंड कौन से थे, आंतरिक कारक, इसमें कौन कौन से कारक ध्यान में रखने अपने को, पर्णहरित की मात्रा, पर्ण की संरचना, या इसको लिख सकते हैं आंतरिक संरचना, संचित भोजन की मात्रा, संचित भोजन की मात्रा, और भी है संदमक इनहिबिटर, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पर्णहरित की मात्रा। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस पे के ऊपर डिपेंड है, क्लोरोफिल। अपना जो सार्वत्रिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट था वो कौन सा था, क्लोरोफिल ए। प्रकाश संश्लेषण के जो संश्लेषी वर्णक होते में, उसमें कौन कौन से वर्णक थे अपने, क्लोरोफिल था, कैरोटीनॉइड्स था, फाइकोबिलिन्स थे, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इनमें से जो क्लोरोफिल था वो तो क्या था, अपने मुख्य वर्णक की तरह कार्य करता है। यदि क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो इंक्रीज होती है तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि जितने पर्णहरित के अणु होंगे उतना ही क्या होगा, प्रकाश की जो प्रकाश है उसका अवशोषण ज़्यादा होगा। जितना प्रकाश का अवशोषण अधिक होगा उतना ही क्या होगा, अपने प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, बढ़ती है। पर्ण की आंतरिक संरचना, इसमें क्या ध्यान में रखने अपने, रंध्रों की संख्या इंक्रीज होती है
तो फोटोसिंथेसिस रेट भी क्या होती है, इनक्रीज होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में रंध्र होंगे उतना ही क्या होगा, CO2 का अवशोषण होगा, CO2 ग्रहण की जाएगी और उतना ही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। पर्ण की संख्या इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेटिक रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लांट में संख्या होगी पर्णों की, उतना ही क्या होंगे उनमें रंध्रों की संख्या अधिक होगी। रंध्रों की संख्या अधिक होगी तो क्या होगा, CO2 ग्रहण अधिक मात्रा में होगी, और CO2 अधिक मात्रा में ग्रहण होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। पर्ण विन्यास जब पत्तियां क्या होती है, लाइट की तरफ होती है, प्रकाश की तरफ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी। जितनी प्रकाश से दूर होगी या उसके अवशोषण के विपरीत होगी तो उतना ही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण घटने लगेगा। रंध्र खुलने का समय, यदि रंध्र अधिक समय तक खुले रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी, अधिक होगी। यदि प्रकाश जो पर्ण में रंध्र उपस्थित है वो कम समय के लिए खुलेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके दो कारण हैं, एक तो जितने समय तक प्रकाश जो पर्ण रंध्र है वो खुले रहेंगे उतने ही अधिक मात्रा में क्या होगी, CO2 का ग्रहण किया जाएगा और उतना ही क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज कर दिया जाएगा एनवायरनमेंट में। यदि जो रंध्र अपने जल्दी बंद हो जाते हैं, कुछ ही समय में बंद हो जाएंगे, तो जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं हो पाएगी। यदि रिलीज नहीं हो पाएगी तो जो पर्ण की जो आंतरिक संरचना है उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पे क्या होगा, जो रूबिस्को एंजाइम है वो RUBP के साथ में किसको जोड़ने लग जाता है, ऑक्सीजन को, और एक अपने कौन सी क्रिया चलने लग जाती है, अलग से प्रकाश अवशोषण क्रिया चलने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होती है, गिरावट आने लगती है। इसके अलावा क्या है, अपने संचित भोजन की मात्रा। यदि अपने संचित भोजन कौन सा था, अपनी ग्लूकोज, इसका स्थानांतरण अन्य भागों में नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, घटने लग जाती है। इस कारण क्या होना चाहिए, जितना भोजन बन रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जितना ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है उसका वितरण क्या होना चाहिए, पादप के अन्य भागों में हो जाना चाहिए। यदि जितना ज़्यादा मात्रा में भोजन संचित रहेगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगेगी। इसके अलावा एक पॉइंट लिखा है, एक कारक लिखा है मैंने, संदमक या इनहिबिटर्स। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, रासायनिक होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करते हैं, घटा देते हैं या उनको इनहिबिट कर देते हैं। जैसे एट्राजिन, सीमाजिन, पेराक्वाट, डाइक्वाट, ये सभी क्या है, हर्बिसाइड। यहाँ पे CO2 भी है, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यदि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे,
CO2 का ग्रहण भी नहीं होगा और ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं हो पाएगी। तो CO2 की मात्रा बढ़ने पे क्या होते हैं, रंध्र हमेशा बंद हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटने लग जाएगी। पैराक्वार्ट और डाईक्वार्ट होते हैं, ये जो अपने चक्रीय जो ये चारों प्रकार के हर्बिसाइड्स है, ये क्या करते हैं, चक्रीय व अचक्रीय पोस्पेटीकरण क्रिया को क्या करते हैं, संदमित करते हैं, इनिबिट करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होने लगती है। इनमें से यदि देखा जाए तो जो पैराक्वार्ट होते हैं और जो डाईक्वार्ट होते हैं, वो तो कौन सी क्रिया को प्रभावित करते हैं, जो अपने चक्रीय साइकिल चलती है उसको प्रभावित करते हैं। ये अपने प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक थे। इस टॉपिक के साथ ही अपना जो प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक चल रहा था, वो प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है अपने। इस टॉपिक के बाद में जो नेक्स्ट अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा, वो होगा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यू टाइप्स के क्वेश्चन भी होंगे, एक नंबर के क्वेश्चन भी होंगे, और आपके जो बोर्ड में आने लायक जो पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, उन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। यदि इस पूरे टॉपिक में जो अपना फोटोसिंथेसिस चल रहा था, इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो उस अपने क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में उस टॉपिक को वापस एक बार और रिवाइज करवा दिया जाएगा। थैंक यू।